99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। इवनिंग, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश के जिले की सीरीज में आज का नया जिला है बैतूल। आपकी 28 तारीख के ग्रुप पे 4 के पेपर से पहले हम मध्य प्रदेश के सभी 51 जिले पढ़ लेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट ग्रुप में जुड़कर भी ले सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का जिला। मध्य प्रदेश के दक्षिण में यह बैतूल पड़ता है। तो ये साउथ की डिस्ट्रिक्ट है, पड़ेगी और महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है। बैतूल जिले के मुलताई तहसील पर पुण्य सलिलल माँ ताप्ती का उद्गम होता है। ताप्ती को हम सूर्य की पुत्री के नाम से भी जानते हैं। ताप्ती का एक और नाम शनि की बहन भी कहा गया है। मुलताई तहसील पवित्र नगरी के रूप में भी पूजनीय है। बैतूल जिला नर्मदा घाटी और उसके दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। बैतूल भोपाल संभाग के दक्षिणी छोर को छूता है। इस जिले का नाम छोटे से कस्बे बैतूल बाजार के नाम से भी जाना गया। यहाँ मराठा शासन और अंग्रेजों के शासन के प्रारंभ से ही बैतूल बाजार जिला मुख्यालय बनाया गया। मराठों ने यहाँ सन 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। 1826 में विधिवत रूप से यह ब्रिटिश अधिकार में रहा। 1861 में सागर और नर्मदा प्रांत में ये चला गया। बैतूल जिला को हम नर्मदा संभाग के अंतर्गत लाया गया और ये जून 2008 में से हम लाए। गुड न्यूज आप सबके लिए है, मेरी मध्य प्रदेश की पुस्तक जल्दी ही मार्केट में 1 अगस्त से सभी मार्केट में अवेलेबल होगी, तो आप उसको ले सकते हैं। और फाइनली अब मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ, तो 1 अगस्त से अब जो भी 1 अगस्त से जो भी एग्जाम आएंगे उसकी पूरी ऑनलाइन क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। बैतूल जिला नर्मदा संभाग, नर्मदा संभाग बोले तो एरिया वाइज ये संभाग सबसे छोटा जिला है। ब्रिटिश सेना ने मुलताई में छावनी बनवाई थी। बैतूल और शाहपुर मराठा शासन अप्पा साहब के शासन को अलग हो गए। मराठा जनरल सेना ने जून 1862 में बैतूल में रहे। बैतूल वह जिला है जिसने 9 मार्च को कवि दिवस के रूप में मनाया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल का केवला छिरी नामक एक ऐसा अनोखा गांव है जिसे पुलिस ने 100% अपराध मुक्त गांव किया है और 26 जनवरी 2011 को। तो याद रखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 130 से 161 ईसा पूर्व ताप्ती नदी क्षेत्र का गोंड राजा कोंडाकी के अधीन आ गया। बदनूस से 4 किलोमीटर पूर्व में स्थित खेडला ग्राम पर जयपाल का शासन रहता था। खेडला के लंबे समय तक प्रशासनिक केंद्र का भी रहा। मूल राजा स्वामी रचित विवेक संधु से ज्ञात होता है कि 1398 में ईसापुर इस भूभाग पर नरसिंह राय का शासन रहा है। आगे बढ़ते अकबर के शासन काल में सन 1560 के पश्चात खेडला जिले का प्रभुत्व केंद्र रहा। अब तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता कि अकबर के समय बैतूल पर किस एरिया में शासन रहा था। बैतूल बाजार को सीतावादी युद्ध के बाद सन 1818 में नागपुर संघ में और 1826 में ब्रिटिश संघ में मिलाया गया। वर्तमान में नर्मदापुरम संभाग में आता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। अब पूरा डायग्राम बना हुआ है तो आपको कोई डिफिकल्टी हो सकती है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। रानी पठार और विक्टोरिया फॉल यहाँ पे स्थित है। इसके बाद जंगल सत्याग्रह जो 1930 में हुआ। बैतूल जिले का एक मास सर्वोदय गांव जिसे करज गांव जहां पर संत विनोबा भावे का आगमन हुआ। खेड़ी सावलीगढ़ के पास अखाड़ा बाड़ा जहां पर आज भी ऐतिहासिक मूर्ति
कला के शिल्प कलाकार नागर भूगर के द्वारा बनाई गई पत्थर की शिलाएं एवं पूर्व सेना पत्थर बनाई आज भी मौजूद है। खेड़ला किला, यहाँ कुट सोना दबा हुआ ऐसा मान्यता है। मराठी की एकमात्र ग्रंथ विवेक सिंधु के रचयिता मुकंद राज स्वामी जी की समाधि यहाँ पर है। बल्लाई बरसाली रेलवे स्टेशन के पास अखंड भारत का केंद्र बिंदु राजा टोडर केंद्र बिंदु है, राजा टोडरमल द्वारा माना गया। तो भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? बरसाली। बरसाली बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया। घोड़ा डोंगरी जनपद में बंजारी ढाल और जंगल सत्याग्रह के नायक की जन्मभूमि है। तो घोड़ा डोंगरी कहाँ पर पड़ता है, ये एग्जामिनर का कई बार का क्वेश्चन रहा है। 1933 में गजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई। अर्जुन कौंडी, अर्जुन के पेड़ों के जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। पातरखेड़ा की कोयलाई खदान यहीं पर है, यहीं पर सारनी थर्मल पावर प्लांट है। भोपाली छोटा महादेव की गुफा भी यहीं पर है। सारनी का सतपुड़ा तवा डैम इसे कुछ दूरी पर एक स्थित है। वनग्राम बागकुंड बेलोंड डागामा यहाँ पर स्थित है। ताप्ती का स्थान उद्गम यहीं से होता है। धनोरा गांव जो अपन इसके बाद आगे चलते हैं अपन। धनोरा गांव परिवार नियोजन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चित है। 1922 में स्वर्गीय गांधी का छोटा परिवार सुखी परिवार का सिद्धांत जो चालू किया था कस्तूरबा गांधी के छोटा परिवार सुखी, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। बैतूल जिले की सीमा के पहाड़ी पर विराजमान अम्बा माई की गुफा के आसपास 150 से अधिक मानवों की गुफा है। अम्बा माई गुफा बहुत इम्पोर्टेंट गुफा है। अम्बा माई की कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। कजली एवं कानीगिया, जागृत हनुमान जी के मंदिर, आज भी हनुमान जी के लिए बिस्तर लगता है, बिस्तर पे आई सलवटें उनकी मौजूदगी का यहाँ पर प्रमाण देता है। यहाँ पर नागर और भोगत द्वारा निर्मित मूर्ति कला के कई प्रमाण पत्र मिलते हैं। प्रभात पटन, इसे मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में नई तहसील के रूप में मान्यता दी है। मुक्तागिरी जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ पर 52 जैन के मंदिर हैं। बैंसदेही जो पठार है ये बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र लोकेशन यही है जहाँ पर अपनी कॉफी की खेती होती है। मुल्ताई जो है बैतूल की एक तहसील है और यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। फिर चलते हैं अपन, यहाँ अंग्रेजों के काफी बागान जो मैं पहले बताता हूँ। शेरगढ़ का किला प्रभात पटन में स्थित है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। बालाजीपुरम भी यहीं पर स्थित है। झापल की पहाड़ी से 5 नदियां प्रभावित होती हैं। नरपुर में मां सूर्यपुत्री पुण्य सलिल ताप्ती का उद्गम स्थान है। धामजीपुरा और आसपास के गढ़वाल नामक विलुप्त हो गया है एक प्रजाति, जो धामजीपुरा है आसपास एक गढ़वाल की एक विस्तृत ताप्ती पाई जाती है। तामनी घोघरा घाट स्थित है। इस पर थोड़ा इसमें धुधला हो गया है, आप इस पीडीएफ को लिख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। काजली के कनौजिया के जागृत हनुमान जी का मंदिर है। तो जागृत हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कई भी आए। ठीक, इसके बाद पत्थर शिल्पी नागर भूगर के द्वारा निर्मित मूर्ति कला के यहाँ प्रमाण मिलते हैं, जैसे पढ़ा चुके हम पहले इस चीज को। महाराज मजालपुर में भूतों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। गोधना का चंडी दरबार, दिया देव की टेकड़ी यहाँ पर स्थित है। देवल घाट यहीं पर स्थित है। ऐतिहासिक शिव मंदिर भी यहाँ पाया जाता है। ताप्ती सरोवर, जैसे यहाँ कुंड के 7 कुंड है, पाप कुंड है, नारद कुंड है, धर्म कुंड है, शनि कुंड है, सूर्य कुंड है, ताप्ती कुंड है, नागा बाबा कुंड, यानी 7 कुंड यहाँ ताप्ती सरोवर, यहाँ ताप्ती का दुगम होता है, ये वहीं स्थान पे पाए जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपन। रोड़ा ग्राम में 12 लिंग, वन ग्राम में स्थित 7 वंड के कुछ दूर संक लिपि के प्रमाण पत्र मिले, इसे जीवाश्म लिपि कहा। जो संक लिपि उसे हम जीवाश्म लिपि के नाम से भी जानते हैं। फिर ये अपन पूरा पहले पढ़ चुके हैं। मकर संक्रांति का मेला कहाँ लगता है? एक तो अमरकंटक और दूसरा इस जगह लगता है, गोड़ा डोंगरी। हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं ये क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा था। शाहपुर में पावरखेड़ा में यहाँ पर एक जो पावर झंडा है ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। शाहपुर के आस जो एक और चीज रखेंगे, बैतूल में कसई गांव देश का पहला ऐसा गांव है जो बायोमास से बायोगैस से संयंत्र से प्रकाश या बायोगैस जहां से प्राप्त होती है। कल हम नया जिला पढ़ेंगे, इसके साथ इस जिले में इतना ही। ये आप वीडियो को ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल भी मेरे से ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं। हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी एक पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं आपके लिए।